मैं आपको आज एक छोटा सा एक ड्राफ्ट बताती हूँ जो आपके पूछने पे मेरे दिमाग में अब ड्रॉ किया है। अगर मैं बनूँ नहीं बनूँ ये अल्लाह मालिक है, मैं जीतूँ नहीं जीतूँ ये अल्लाह मालिक है। लोगों का दिल मैंने जीत लिया ये तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह, जो आज मेरे मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में खड़े होके दिखा दे कि मेरे सामने, हाँ मैं शबनम शेख हूँ, तो मेरे सामने कोई शबनम शेख को टक्कर देने के लिए खड़े होके बता दे तो मैं मान जाऊं कि हाँ ये मुझे टक्कर दे रही है या दे रहा है। मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। एंड द सिनेरियो, क्या सवाल किया आपने मुझसे, क्या मोटिव लेके, हाँ क्या मोटिव लेके मैं बीच में आना चाहती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, जितने भी एमपी और एमएलए खड़े होते हैं इनको एक्चुअली पब्लिक सेवा के लिए चुना जाता है, क्योंकि मिनिस्टर्स खुद आके काम नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक सेवा के लिए पहले इनको चुना जाता है, इनसे नीचे होते हैं कॉरपोरेटर जिनको गटर और नाली का काम दिया जाता है, करेक्ट। तो जो गटर और नाली का काम दिया जाता है उनको भी करोड़ों का फंड मिलता है, पता नहीं गटर और नाली फिर भी साफ नहीं होती, मुंबई में हर साल पानी भरता है, घुटनों तक स्विमिंग करो तुम, एटलीस्ट उतना तो होता ही, कमर तक भी स्विमिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब रही बात एमपी और एमएलए की, ये करते हैं डेवलपमेंट का काम जो कि ये बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सिर्फ रोड पे खड्डे खुदवाते हैं और खड्डों को बंद करवाते हैं, ये इतना ही करते हैं, ये दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। इनका काम एक्चुअली ये होता है, जो स्लम होता है इसको रिहेबिलिटेशन में लेकर आए और ये SRA का काम करवा सकते हैं, माड़ा से लिंकअप करके काम करा सकते हैं। ये जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं इनकी सोसाइटी मेंबरशिप में ला के इनको खड़ा कर सकते हैं, ये हर MP हर MLA कर सकता है, इसका करोड़ों का फंड पास होता है। तुमको एक अगर स्कूल भी बनाना है तो एक MP अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे ये स्कूल बनाना है तो कोई भी गवर्नमेंट उसको ना नहीं कहेगी, उसको यस ही मिलेगा, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इतनी तो औकात होती है कि वो अपने क्षेत्र में एक स्कूल बनाए। हाँ वो क्या मांगता है, वहाँ जाके वो बैठता है तो क्या बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो क्या मांगता है, जूता चप्पल की दुकान मांगता है। हाँ और असेंबली में जाके MLA क्या मांगते हैं। एक एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एक यहाँ पे बिल्डिंग है, बाबा सिद्दीकी की बिल्डिंग है, आशीष शेलार ने पूरा सपोर्ट किया, दोनों कांग्रेस और BJP दोनों अलग अलग पार्टी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा है। उसके ऊपर कुछ 450 करोड़ के ऊपर का पेनल्टी आया और सपोर्ट किया आशीष शेलार ने। अब देखो उसके भी कितने घर है उसके अंदर शेलार के, अरे क्या मतलब पब्लिक अंधी, वो बिल्डिंग पूरी फास्ट फास्ट तैयार हो रही है, बट आई एम वॉचिंग सिंस 2.5 ईयर, अभी तक वो बिल्डिंग के आगे जो है ना एक मस्जिद बनाई गई है, कोई भी RTI मारे ना तो पूरे मुस्लिम लोग वो RTI मारने वाले को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, क्यों, क्योंकि तूने मस्जिद का काम रोकने के लिए क्यों RTI मारा। वो मस्जिद एक वो बोलते हैं ना फेक डेमो हो गया है, वो बिल्डिंग के काम को फास्ट फास्ट कराने का, और बिल्डिंग का काम चले फास्ट और वो मस्जिद खाली दिखावा हो गया, 2.5 साल से मस्जिद को चूना ही लग रहा है, अभी तक वो चूने का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो चूने का काम कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे नमाज कायम हो जाएगी, लेकिन ये अल्लाह का मुँह फिट बोलते ना इनके मुँह पे फिटकार पड़े, ये लोग वो काम कंप्लीट नहीं होने दे रहे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।